montado. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सीमाली। व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी एंड फल्की है, छोटों बड़ों में सब में यकसा पसंद है, वो है आलू वाले समोसे। मैं बताने जा रही हूँ एक परफेक्ट रेसिपी, तो लेट्स मूव टू रेसिपी। इस वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने, जिसमें एक पाव मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर लिया, और इसमें ऐड करूँगी 1/4 teaspoon अजवाइन कॉमन सीड, 1/2 teaspoon साल्ट और 2 tablespoon घी के। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करूँगी। सबसे पहले ड्राई फ्लोर को सारे इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि समोसा डो हमारा बहुत अच्छा बने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसी अंदाज़ में मिक्स करेंगे, और जब हाथ में लें तो फिस्ट बने, तो ये राइट टाइम है। अब थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और फिर गूंदेंगे। एक पॉइंट वो ये है कि समोसा डो हमेशा नॉर्मल डो से हार्ड होता है, अगर डो सॉफ्ट होगा तो समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। डो की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम कपड़े से कवर करके मिनिमम 30 मिनट तक रखेंगे। नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप आलू का मसाला बनाते हैं। स्पाइसेस की मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्क्रीन पे भी दे दी है। पहले से एक गर्म पैन में 1 tablespoon ऑयल शामिल किया, फिर सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करके सोटे करेंगे लो फ्लेम पर। फिर एक चॉप मीडियम साइज़ ऑनियन और 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करके थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। फिर बॉयल किए हुए आलू क्रश करके डालेंगे। मैंने 2 बड़े आलू बॉयल करके रखे थे। आलू ऐसे होने चाहिए कि खाने में चंक फील हो और उन्हें ज़्यादा मैश नहीं करना। साथ में एक छोटी प्याली इमली का पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। नाज़रीन, आलू बेटर ड्राई होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हरा धनिया और थोड़ा पुदीना डाल के फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में सारा बैटर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए जी, अब डो को देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिख रहा है और हार्ड भी बना है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा छोटे भी नहीं करना, नहीं तो समोसे बहुत छोटे हो जाएंगे। सारे पेड़े रेडी हो गए हैं, अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। समोसा रोटी ज़्यादा गोल नहीं बनाइएगा, थोड़ा रेड एंगल होनी चाहिए। सब पेड़े बेल के समोसा रोटी इकट्ठे रखते जाएंगे और बीच में थोड़ा ड्राई फ्लोर छिड़किएगा, नहीं तो वो स्टिकी हो जाएंगे और चिपक जाएंगे। फिर छुरी की मदद से सेंटर से हम इन रोटियों को बीच से काटेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब इन सबको सेंटर से हम सेपरेट करके फिर अलग रखेंगे और एक एक उठा के फिर हम इनमें आलू वाला बैटर वो फिलिंग करते जाएंगे। अब एक पीस लेंगे गोल वाली साइड नीचे की जानिब से और कोने फोल्ड करके पानी लगाएंगे। फिर 2 स्पून आलू की फिलिंग ऐड करके पानी से बेंड करते जाएंगे। यहाँ पर आटे की लई नहीं लगाइएगा, वो समोसे को हार्ड कर देती है। इस तरह सारे समोसे 1 by 1 करके हम बनाएंगे और फिर जितने चाहिए होंगे वो फ्राई करेंगे, बाकी फ्रीज करके रख देंगे। जब ज़रूरत होगी तो फ्राई करके सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं समोसे कितने, ना ज़्यादा छोटे हैं ना बड़े हैं, मीडियम साइज़ के और अच्छे बने हैं। कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक बात याद रखिएगा, समोसे ऑयल में फ्राई नहीं होते, घी में होते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो 1/4 ऑयल होगा तो 3/4 घी का होता है। ऑयल में क्रिस्पीनेस नहीं आता जो घी से आता है। ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
और बारी बारी डालते जाएंगे। दो मिनट तक समोसों को छेड़ना नहीं है, दो से तीन मिनट के बाद पहले ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे और फिर उसके बाद पलटेंगे समोसों को। तकरीबन 6 to 8 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे और जैसे जैसे समोसे फ्राई होते जाएंगे हम निकाल के छलनी में रखते जाएंगे ताकि उनका एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज़ हो जाए। नाज़रीन, आप चेक करें कि कितने गोल्डन खिले खिले और क्रिस्पी समोसे बन रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आलू समोसे की रेसिपी। आप सबको कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक इनबॉक्स कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.